सुरक्षित माने जाने वाली रेल की यात्रा अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। रांची से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा हटिया शताब्दी को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया है। उपद्रवियों ने चलती ट्रेन में अचानक पत्थरबाजी कर दी, जिससे पैसेंजरों के बीच खौफ पैदा हो गया। सामान्य कोच और स्लीपर क्लास के यात्रियों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। पूरी घटना में 5 यात्रियों की घायल होने की सूचना है। बता दें कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस साल अब तक 15 बार अलग अलग ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। अब नजर डालते हैं आंकड़ों पर, आखिर कब कब किन किन ट्रेनों को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया है। 14 जनवरी सिल्लीमुड़ी सेक्शन, 30 जनवरी पकरा स्टेशन हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, 14 फरवरी रांची स्टेशन के निकट रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, 15 फरवरी जोन्हा स्टेशन रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, 10 अप्रैल हिंडाल्को भोक्ता बगीचा हॉल्ट रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 27 जुलाई जोना कीता स्टेशन के बीच रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 28 जुलाई रांची हटिया के बीच रांची गोड्डा इंटरसिटी, 16 सितंबर टाटी सिल्वे स्टेशन के निकट रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। बता दें कि हाल के दिनों में रांची रेल डिवीजन में 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। इसे लेकर रेल प्रशासन और रेल पुलिस सख्त रुख अख्तियार कर रही है। यूँ तो नहीं बोलेंगे, हाँ पिछले 2-3 दिन में ये एक दो घटना हुई है हमारी डिवीजन में, तो उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं। RPF हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है, प्लस पेट्रोलिंग भी कर रहा है। जब ग्राम पंचायत वगैरह में जहाँ जहाँ के सेंसिटिव एरिया हैं, उनके ग्राम प्रधान से बात करके उनको काउंसिल भी कर रहा है कि इसमें जो ट्रेन का नुकसान है या यात्री को चोट लगने का डर है वो तो है ही, लेकिन गांव के जो बच्चे या युवा जो ये हरकत कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसान होगा, उनको मतलब सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। तो ये सब समझा रहे हैं गांव में जाके, और साथ में अपना पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस के साथ भी हम समन्वय बना रहे हैं और उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन भी चला रहे हैं सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई करके। दूर दराज जाने के लिए देश की आधी से ज्यादा आबादी ट्रेन पर निर्भर है। ऐसे में जिस तरीके से इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है उससे कई तबके के लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही इनमें डर का माहौल भी व्याप्त है। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।